देखो प्रेम मंदिर कितना रश हो रखा है, बहुत ज़्यादा ही रश है। ये मेरे ख्याल से 9 बजे का क्या टाइमिंग हो रही है, अभी 8:27 हो रहे हैं, 8:27 हो गया। ये इस टाइम ये सबको ही निकाल रहे हैं उधर से, मतलब पूरा खाली करवा रहे हैं मंदिर। अब ये मंदिर का व्यू एकदम दोबारा से दोबारा खाली करवा रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ही बड़ा यार ठंड बहुत हो रही है, लेकिन फिर भी रश देख रहे हो कितना, बहुत ज़्यादा रश है भाई। इधर नहीं है ओ यार, रुक रुक रुक, ओ इस तरह थोड़ी ना अपना, उस तरह भाई उधर से भगा रहे हैं, यहाँ से जाते हैं वहाँ तक पहुँचेंगे, वहाँ से पहले आ रही है चल। भाई साहब हम यहीं से कूद रहे हैं, दरवाजा मिल नहीं रहा हमें, उतार रहे बंदों को, वहाँ तक पहुँचेगा तो हाँ यही कूद जाता ना। और यार अभी कूदते हुए हम गिर गए, चोट लग गई हमें। गोवर्धन गिरी का जो डैमो बना रखा है, इसमें पानी भी दे रखा है, मतलब एग्जैक्ट डैमो जैसे कृष्णा जी ने उठाया था ना गोवर्धन गिरी, और फिर बाकी ग्वालों ने डंडे से खड़ा करा था, ये सारा एग्जैक्ट वैसा ही दिखा रखा है। ये देखो वाटर बीच में श्री कृष्ण जी की मूर्ति लगा रखी है, जो उन्होंने सबसे लास्ट फिंगर पे उठाया था। भाई साहब एग्जैक्ट प्रेम मंदिर किस टाइम, एग्जैक्ट प्रेम मंदिर किस टाइम बंद हुआ है, 8:42 पे सब बंद कर दिया इन्होंने सब कुछ। तो अगर आपने आना है तो 8:42 से, मतलब 8:30 से पहले 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 आपको आना पड़ेगा प्रेम मंदिर घूमने। इनकी टाइमिंग यही है, मॉर्निंग में है इनकी 8:30 से 12:30 और इवनिंग की है 4:30 से 8:30। देखो सारा खाली करवा दिया इसने, और इन भाई साहब के हमारों के जूते चोरी हो गए। तो भाई जब जब भी आओ अपने भी दिखाओ, भाई मैंने पार किया और के तो भाई साहब चोरी का माल, चोरी का माल, चोरी का माल। भाई साहब जब भी आना अपने जूते अपनी गड्डी में छुपा के आने, अपने जूते अपनी गड्डी में रख के आने भाई साहब, वरना यहाँ नहीं मिलते, यहाँ चोरी हो जाएंगे या फिर कोई किसी के पागे चला जाएगा। जैसे भगवान का प्रसाद होता है ना सबको मिल जाता है, तो वैसे ही है भाई साहब। ये देख लो यार एक सुकून वाली है, हैप्पी भक्ति दिवस, तो मस्त है यार, एक मतलब घूमने एडवेंचर ही है। जूते गुम हो जाते हैं, फोन गुम हो जाते हैं, तो यार ये तो पता ही आपको इंडिया का है। तो गोपियां भी हैं यहाँ पे, कहीं मिल सकती है आपको अगर आप गोपियों की तलाश में आ रहे हो तो, बट ठीक है बढ़िया है, घूमो। जूतों की तलाश कर रहे हैं अभी हम, बट नहीं मिले किसी के, नहीं मिले।
किसी के जूते नहीं मिल रहे भाई साहब। यहाँ देख ले भाई साहब, किसी के जूते नहीं मिले यार, बहुत ही दुख हुआ। एग्जैक्ट 8:15 बंद हो गया मंदिर भाई साहब। चलो अब बस जा रहे हैं, अब हम जो गड्डी में बैठेंगे, बाकी देखते हैं क्या करना है। अगर नेक्स्ट कहीं का बनता है फिर आपसे मिलते हैं उसमें। बाकी चलो आइए आइए खाना खाओ भाई साहब। वृंदावन के जो फेमस हैं पेड़े, ये देखो पेड़े पेड़े ही पेड़ हैं, हमने भी ले रखे हैं, हमने भी ले लिए हैं। 4 किलो लिया हमें, 300 रुपये किलो दिए उसने, एक 300 रुपये किलो थे, एक 200, तो हमने 300 वाले करा लिए। वाइट था एक ब्राउन, दोनों मिक्स करा लिए। बाकी आप भी लेना जरूर पेड़े, हमने कौन से लिए हैं अभी छुट्टी का टाइम से जा रहे हैं अपने। हमने भाई जय अब यहाँ से निकलेंगे दोस्तों, हम निधिवन के लिए वहाँ जाकर खड़े और फिर आगे देखेंगे कहाँ जाना है। चलो मिलते हैं भाई साहब। ये भाई साहब प्रेम मंदिर बंद होने के बाद का व्यू, कल सुबह फिर से भीड़ लग जाएगी यहाँ पे, अंधे वाली भीड़ यार। होटल हमेशा पास लेना, मंदिर के पास ही। अगर आप अकोमोडेशन लोगे तो मंदिर के पास ही लेना अकोमोडेशन, कहीं दूर लोगे फिर आने में दिक्कत है, जाने में दिक्कत है। और सबसे बड़ी बात वही शूज या आपके जो स्लीपर्स हैं, आप पाके मत जाना मंदिर के अंदर, वरना मिसिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। हमें तो मिले नहीं, हमारे तीन बंदों के गुम हो गए, एक ही बंदे के मिले। तो बाकी नेक्स्ट हम निधिवन जा रहे हैं यार, अभी देखते हैं नाइट में निकलेंगे, कल मॉर्निंग में ओपन होएगा वो 8 बजे से 8 बजे तक है। तो बाकी निधिवन का जब जाएंगे तब बताएंगे आपको निधिवन में क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ इतना खर्चा कुछ है नहीं, अगर आप फ्रेंड्स वगैरह आ रहे हो ना बस, तो मेरे हिसाब से आपका क्या जो आपका जो आपने ट्रैवल कैसे आना है, आपने ट्रैवल कैसे कर रहे हो, अगर अपनी पर्सनल व्हीकल से आ रहे हो तो भी बेस्ट है। पार्किंग का थोड़ा सा इशू रहेगा, अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से आ रहे हो तो पार्किंग का थोड़ा सा इशू है यहाँ पे, क्यों देख रहे हो रोड पे व्हीकल्स नहीं है बट लोग कितने, ये इशू है यहाँ पे ज़्यादा। तो पर्सनल व्हीकल से आओ, पार्किंग का रेट हमें लिखा था 2 घंटे का, हमसे उसने 100 रुपये चार्जेस करा था, तो 100 रुपये चार्ज ठीक है, पर यही है ना 2 घंटे से तो ज़्यादा आप घूम ही लोगे मंदिर के अंदर। तो अपने व्हीकल से मैं कहूँ अगर पर्सनल एक्सपीरियंस तो रहन देना, अपने व्हीकल मत लेके आना हमेशा, मतलब गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट यूज करोगे। हमारा तो फर्स्ट टाइम था तो हमें पता नहीं था कि व्हीकल से हम आए या ना आए, बट ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट निधिवन में। You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way.